हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर से और नया एक ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूं। और आज कहीं नहीं जा रहे, हम लोग रूम में ही है। रात में ड्यूटी करके आया मैं और राज भाई रात में ड्यूटी करके आया। और अभी बनाएंगे हम लोग खाना वाना, कुछ भी नहीं बनाएंगे। और आज बनाएंगे आलू पराठा। हम लोगों को भी उतना नहीं आता है पर फिर भी थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा बना के आप लोगों को भी दिखाएंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाला है। रात में ड्यूटी करके आया, दिन में भी दो घंटा ही सोने को मिला, इससे ज़्यादा नहीं मिला। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले तो ये रहा हम लोगों का सामान। ये आलू पहले जेम्स ने बॉयल करके रख दिया और ये मैंने अभी अभी निकाल दिया। हाफ किलो हम लोगों ने मैदा लाया और इसका भी मिक्स करना है इसके साथ। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था क्योंकि मुझे काटने के टाइम पे बहुत हंसी आ रहा था मन में। ये काटने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे काटने के लिए ये नहीं जा रहा नीचे, इसके नीचे और नहीं जा रहा, ये इसमें लग रहा था। तो इसको ऐसे लगाया, इसको ऊपर से काटा। तो कैसा लगा? हमारा रोटी का डो रेडी हो गया, पूरा नरम हो गया। अच्छा है, ज़्यादा नरम भी उतना टाइट भी नहीं है, सही है। और ये मसाला, आज का मौसम आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आज का मौसम है कुछ ऐसा, नीला नीला आसमान और इस साइड से तगड़ा वाला धूप दे रहा है बस। और हमारा कृष्णा भाई कपड़ा धो रहा है अपना। आज धूप आ रहा है बोल के, कल नहीं परसों भी नहीं था तो और जेम्स अभी भी पका रहा है और राज भाई खाने के लिए रेडी हो गया, उसका सब पक गया। हम लोग का अभी भी बहुत टाइम है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रेडी करके रख दिया। मेरा पहले वाला तो कुछ इस तरह दिख रहा है, पता नहीं गोल गोल तो नहीं हुआ, आलू कम डाला है इसमें पहला, तो नहीं तो ज़्यादा डाल के किया पूरा निकल रहा था इसलिए नहीं किया। अभी ऐसे ही रखेंगे अभी, और इतना बचा हुआ है इसको पूरा करके ख़त्म करने के बाद दिखाता हूँ। तो फिलहाल के लिए पूरा रेडी हो गया। अभी तवा गरम कर दिया इधर और इसमें ऑयल, और मेरा पूरा वो बेलना चलना पूरा हो गया, ये देख सकते हो। अच्छा नहीं बेला, टेरा मेरा सब हो गया, पता नहीं कैसे वो जिसमें आलू डाला था वो आलू ही बार बार निकल निकल के आ गया। और ज़्यादा नहीं बनाया, 6-7 ही बनाया। दो करके खाएंगे, खा के सो जाएंगे। भूख भी लग रही है, नींद भी आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है। और हमारा राज भाई खाना पीना खा के अभी लेट रहा है। जेम्स गया अभी ब्रश करने के लिए। ओके, टाइम बता देता हूँ अभी कितना बज रहा है। अभी का बज रहा है और मुझे बाहर का आदमियों ने ये जैक फ्रूट दिया था, इसको भी खाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले इसको खा लेता हूँ, इसका स्मेल खुशबू अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, खाने का मन कर रहा है। पर फिर भी उधर ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से फिर बात करता हूँ मैं। तो अभी हो गया, अभी फाइनल खाने वाला है। ये मिक्स सब्जी बना दिया और उसके बाद ये आलू दाल, ये पराठा, थोड़ा राइस, इसको मिला के खाएँगे बस। अभी बहुत भूख लग रहा है, बहुत टाइम हो गया होगा, मालूम नहीं कितना बज रहा है। पहले खाना खा लेता हूँ। तो मेरा खाना कंप्लीट हो गया, जैसे तैसे खा लिया। उतना अच्छा नहीं बना जितना सोचा था, उतना अच्छा नहीं बना पर फिर भी भूख की वजह से खा लेना पड़ा। और अभी बज रहे 10:30। लाइट भी आ गया, थोड़ी देर पहले लाइट नहीं था और अभी लाइट आ गया तो अच्छा लग रहा है। अभी खाना खा के अच्छा सा नींद करने का मन कर रहा है। देखेंगे शाम तक क्या करेंगे, और शाम तक भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आज पूरा दिन का देखने को मिल जाएगा, मेरा रात को भी ड्यूटी नहीं है। तो शाम तक आप लोग को जो जो होता है वो दिखाएंगे। और अभी तो खाना वाना हो गया, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। क्या खाया? ठीक है, वह शर्म आ रहा है। ये है कृष्णा दाई हम लोग का, उसको भी पहले देखा हुआ है पर फिर भी देखने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि हम सब इधर एक परिवार की तरह रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है सभी के साथ रहने के लिए। वो एक एक नया नया आता है तो नया नया से दोस्ती बनाने के लिए कुछ अलग से एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो वो मेरे को बाह बोल के चला गया। तो ठीक है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। und dich gesehen. Du bist grau geworden. तो हमारा फुटबॉल खेलना हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, बाद में थोड़ी देर के बाद खेलेंगे क्योंकि धूप निकल रहा है, ज़्यादा ही धूप निकल रहा है। मैं शू भी इधर खुल के रख दिया, मेरा शू इधर ही खुल के रख दिया, बॉल इधर तो नहीं गिरेगा ना के। धीरे धीरे तरफ से तो पूरा जैसे कि टीवी में देखता है और भगवान के पीछे से सूरज निकल रहा है, जैसा सेम टू सेम लग रहा है। आज का शाम का मौसम अच्छा लग रहा है, उस तरफ से सूरज निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि रोशनी निकल रहा है। सूरज तो पहले से सुबह ही निकल गया था। और ये लोग इधर बुक डाउन का कंपटीशन लगा रहा है, कौन पहले हारेगा देखता हूँ। एक साथ दो, कौन पहले देखता है हारता है। ये रेड वाला है जेम्स, बीच वाला डिमान और साइड वाला दिबा पसंद। तुम्हारा लगना क्या हो गया, इतना जल्दी हार मान गए। ये दुआ भी लगा हुआ है, लगे रहो। ए दिमन निकल गया। रुको, 100 मीटर थोड़ा ज्यादा होगा, वो लोग रेस करेगा बोल रहा है। इसका नाम है दिबा भूषण, ये है जेम्स और ये है डिमान, ये है कुंखाई। रेडी, 1 2 3। हम लोग का खेलना हो गया, अभी बज रहे हैं 6, तो अभी जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं करेंगे, पहले नहाना है। आज तो जेम्स ने पहले ही बना दिया, 1 बजे को ही पका लिया। गैस भी सुबह ख़त्म हो गया था जब आलू पराठा पका रहा था, तो अभी तो पूरा कंप्लीट है। अभी जाएंगे सीधा खाना वाना खाएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या करेंगे हम लोग। और मेरा बुखार अभी तक ठीक नहीं हो रहा, कल रात से बुखार हो रहा था, मेरा नाक भी बंद हो रहा है, मेरा नाक से सांस लेने के लिए मुश्किल हो रहा है। आप लोगों को भी मेरा आवाज़ से पता चल रहा होगा शायद। तो चलता हूँ रूम में जाकर फिर मिलता हूँ। नया मेहमान तुमको कुछ बोला, उसका बाल तो पूरा बम्पर हो रहा है यार, तुम्हारा बाल तो पूरा बम्पर हो रहा है, ना कुछ बोलो। बहुत हैंडसम लग रहा है आजकल आप, मैं हैंडसम होने लगा ना। रात में आज ड्यूटी नहीं है, इसलिए हम लोग का सभी रूम का ये राज भाई, जेम्स और मैं इधर है और दीपेश अंदर है। और मैं दिखाता हूँ, ये इधर लाइट है ना, ये इधर इतना सारा कीड़ा आ गया, ये रूम के अंदर लाइट बंद करके बैठा हुआ है। ओए हज़ाम, ये देखो इसमें आता है, ये हम लोग का लाइट है, इसमें आता है, इसलिए वो लाइट बंद करके सोया हुआ है। आजा बाहर। तो इधर से हम लोग का जहाँ पर ड्यूटी करते हो वहाँ से दिखाई देता है, ये रहा, ज़्यादा दूर नहीं है, यही है। और इधर से जाना पड़ता है, और ये हम लोग का रूम बाथरूम है, बस इतना ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन में बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, मुझे भी बुखार हो रहा था इसलिए। और हमारा बस्ती थोड़ा दिखाता हूँ। अरे हाय रे, ये यंग खाना वाना खा के अपना बर्तन धो रहा है। यंग क्या खाया? जंगली सब्जी खाया। आय हाय, जंगली सब्जी खाया बोल रहा है। और इस तरफ हम लोग का 4 रूम है, ये एक, ये पहला हम लोग का, दूसरा देशरंग का और 2 है उस तरफ। तो ये हम लोग का टंकी है, और ये नीचे हम लोग का यंग सामान धो रहा है। और इस तरफ है, इस तरफ भी 1 2 3 4 रूम है, इस तरफ भी। और बल्डे क्या कर रहा है? क्या समाचार? ड्यूटी से आया है, हाथ पैर धो रहा है। वो हाथ पैर धो रहा है इधर। हाँ ओके, और कुछ बोलना चाहते हो? और कुछ बोलेगा? ड्यूटी तो अभी लॉकडाउन का टाइम में थोड़ा ऐसे चल रहा है के लिए। ओके थैंक यू। और ये लास्ट बाउंड्री है हम लोग का, ये इसके बाहर नहीं जा सकते। ये इस तरफ 1 2 3, और ये रूम के अंदर है हम लोग का स्विमिंग पूल, आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये है थोड़ा लाइट डला, ये है हम लोग का स्विमिंग पूल, ये रूम के अंदर है, ये कुंठाई है, बंद कर दो थोड़ा। तो आज का ब्लॉग इतना तक ही था, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो कर दो यार। और बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से रहो और थैंक यू, गुड नाइट।